पहले चरण के मतदान के लिए 21 जनवरी यानी आज नामांकन का आखिरी दिन था। बुलंदशहर में सातों विधानसभा सीटों से जीत के लिए ताल ठोक रहे अलग अलग राजनीतिक दलों के 12 प्रत्याशियों ने आज नामांकन स्थल पहुंचकर पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ने के लिए सियासी मैदान में लंगोट कस चुके पहलवानों द्वारा अपनी जीत का दम भरा गया, जबकि उनकी ओर से दावा किया गया है कि वह 2022 में चुनाव जीतकर विधानसभा जरूर जाएंगे। आपको बता दें कि बुलंदशहर में भी पहले चरण में यानी 10 फरवरी को मतदान होना है, जबकि बुलंदशहर में कुल सातों विधानसभा सीटों पर 86 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। 24 जनवरी तक निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जाँच करेंगे, जबकि 27 जनवरी तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर इन सातों सीटों पर कितने सियासी पहलवान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रणनीति यह है कि मैं अब चुनाव में निकल रहा हूँ आज से और जाकर के मतलब के जनता से मिलूंगा, एक एक की समस्याएं पूछूंगा, एक एक की मतलब के परेशानी पूछूंगा, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी, जो मुझे बताया शिकारपुर की जनता ने, रोजगार, साफ़ सफाई, बिजली, पानी, सड़कें सब यहाँ मतलब के वंचित पड़ी हुई हैं, किसी ने कोई विकास नहीं किया है। 50 साल से पूर्व आज तक किसी प्रत्याशी ने यहाँ विकास नहीं कराया और हमें अब महसूस होता है कि रफीक फड्डा जैसा खुर्जा के अंदर विकास कार्य करके आया है, जैसे आज उसकी वर्तमान में पत्नी मतलब विकास कर रही है, ऐसा ही मतलब विकास यहाँ शिकारपुर विधानसभा में करेगा। मेरा नाम गीता रानी शर्मा है। देखिए, मैं लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी और मेरे जो फादर हैं वो भी लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और आज से समथिंग 30 साल पहले मेरी पार्टी से, मेरे परिवार से लोग पार्टी के लिए शहादत भी हुए। जो मेरे ताऊ जी थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस पार्टी के लिए शहादत भी हुए। लेकिन मतलब मैं एक ऐसी सदस्य हूँ जो किसी और पार्टी में कभी जा नहीं सकती। क्यों? अगर इसलिए नहीं जा सकती हूँ क्योंकि एक वो बात आ जाती है कि बुजुर्गों के नाम पे कलंक सर सदर से किया है। और जब अनूप सर दीदी का प्रोग्राम हुआ था, खूब 8-10 गाड़ी भर के महिलाएं ले गई थी। मैं इसलिए नहीं हूँ, मैं दुखी इसलिए हूँ, मैं एक ऐसी कैंडिडेट हूँ कि जो किसी दूसरी पार्टी में कभी जा नहीं सकती हूँ। लोकदल से, राष्ट्रीय लोकदल, मेरे सामने कोई समस्या नहीं है, क्षेत्र की जनता के सामने बहुत बहुत समस्या है। विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, शिक्षा का कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है शिकारपुर में, इंटर तक स्कूल हैं, डिग्री कॉलेज कोई नहीं है, लड़के लड़कियां बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, ना कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है वहाँ पे, बेरोजगारों को रोज़गार मिल जाए जिससे के कोई यूनिट नहीं यहाँ पे इंडस्ट्रियल, और जो है किसानों की समस्या है ही है सरकार में। मेरा नाम सुशील चौधरी है। पहले भी मैं 65 विधानसभा बुलंदशहर सदर से उपचुनाव लड़ चुका हूँ और अब मेन चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी ने, बहन प्रियंका जी ने मुझ पर भरोसा जताया है, अब के मैं इस सीट को जीतूँगा, 100% जीतूँगा। मेरी लड़ाई सीधी भाजपा से है और किसी से कोई लड़ाई नहीं है। बंसी सिंह पाड़िया, पूर्व विधायक खुर्जा हूँ और मेरा ऑन पेपर नाम बंसी सिंह है। मुझे समाजवादी पार्टी ने इस बार 70 खुर्जा रिजर्व सीट से उम्मीदवार बनाया है। मैंने नॉमिनेशन कल करने आया था, मुझे 10 मिनट लेट हो गया था, आज मेरा नॉमिनेशन हो गया है और मैं पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम टुक्कीमल खटीक है। मैं 70 विधानसभा खुर्जा से चुनाव लड़ रहा हूँ, कांग्रेस प्रत्याशी हूँ। सबसे बड़े मुद्दे तो हमारे यहाँ लोकल मुद्दे खुर्जा विधानसभा में इतने हैं, बेइंतहा मुद्दे हैं, जैसे कि वहाँ सारी जो अभी लाइन बिछी है, रेलवे लाइन जो बिछी है, उसके जितने भी अंडरपास हैं, वो सारे बरसात के मौसम में सब इस कंडीशन में आ जाते हैं कि गांव देहात का आना जाना भी दुर्भर हो जाता है। अभी मैं अभी पीछे अपने पत्रकार साथियों से एक और लोकल का मुद्दा बताकर आया हूं उन्हें, एक जो उस विधानसभा के अंदर जितने भी पुराने पजाए और बम्बे हैं उनके सबकी पुलिया बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, वो गिरने के कगार पर खड़ी हैं। मगर पिछले किसी भी पंचवर्षीय योजना में किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने उन पर ध्यान नहीं दिया और एक एक बम्बेर बजाय के रास्ते पर कम से कम 10-10, 15-15 गांवों का रास्ता आने जाने का है। मेरा नाम विनोद है और मैं बहुजन समाज पार्टी खुर्जा विधानसभा सुरक्षित से चुनाव लड़ रहा हूं। अनगिनत मुद्दे हैं, चुनौतियाँ कोई नहीं है, क्योंकि हर वर्ग, हर किसान की
केवल एक इच्छा है कि यहाँ से जो आज जो वर्तमान में चल रही सरकार है उसे उखाड़ करके फेंकना है, और बहुजन समाज पार्टी केवल एक विकल्प के रूप में उभर करके आ रही है, और हर समाज हर वर्ग चाह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से विधायक इस क्षेत्र से बन के जाए। मेरा नाम संजीत तोमर है, मैं 65 बुलंदशहर विधानसभा का प्रत्याशी हूँ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का। सबसे बड़ा मुद्दा तो हिंदुस्तान में शिक्षा का है सर, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का, तीसरा मुद्दा है स्वर्णों की आवाज़ बनने का, स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा, और भ्रष्टाचार बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे हमारे रहेंगे। जियाउर रहमान हूँ, कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ 69 शिकारपुर विधानसभा से। नामांकन हो गया है और जो रणवेरी है वो हमारी बच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और योगी जी ना तो 69 शिकारपुर पर रहेंगे ना उत्तर प्रदेश में रहेंगे, ये तय हो चुका है। बैलगाड़ी से इसलिए आया कि ये किसान की ऑडी है, महंगाई इतनी है कि पेट्रोल डीजल के रेट आप जानते ही हैं क्या है। मेरा मैंने सांकेतिक रूप से एक तरह से एक मैसेज दिया है कि जो किसान की बात करेगा, नौजवान की बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, गरीब की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, वो उत्तर प्रदेश में राज करेगा। माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस योगी जी की लंका को ढहाने जा रही है और योगी जी का दहन करके वापस गोरखपुर भेजने का हम लोग काम करेंगे। टाइम 24 न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।